नाम लिखाए गए थे, जैसे लेबियम था, मैक्सिलरी पल्प था, लेबियल पल्प था, ऐसा करके कुछ कुछ नाम था, बस उन्हीं के बारे में लिखना है अपने को। ठीक है, तो पहला लेब्रम को हम कहते हैं अपर लिप, जैसे ये हमारा अपर लिप है, ये लोअर लिप है, सेम ऐसे ही कॉकरोच में अपर लिप और लोअर लिप होते हैं। ठीक है, तो पहला लिखो उसमें लेब्रम। अब थोड़ा फास्ट करो, डेडलाइन तुमको पता चल ही गया है 25 जनवरी, उसमें वाइंड करना सिलेबस। ठीक है, लेब्रम, लेब्रम इसको हिंदी में भी वही कह, अपर लिप ऊपरी होंठ, अपर लिप या फिर ये लो लेब्रम, लेब्रम, लेब्रम है ये, मैंडिबल नहीं है, मैंडिबल मीन्स होता है जबड़ा। ठीक है, लेब्रम के बारे में लिख लो, यह मुख गुहा की छत को बनाता है। ये देखो, ये वाला जो अपर लिप रहता है ना उसका, वो ऊपर की तरफ छत को बनाता है। जैसे हमारे ऊपर की तरफ अगर आप टंग को टच करते हैं तो एक कठोर संरचना दिखेगी, छत है, उसको हम छत कहते हैं। तो वैसे ही उनके में भी होगा छोटा मोटा छत। तो लिख लो, मुख गुहा की छत को बनाता है। इट मेक्स रूफ ऑफ द, इट मेक्स रूफ ऑफ द प्री ओरल कैविटी, मतलब माउथ की मुख गुहा की छत को बनाता है। प्री ओरल कैविटी, ओरल मीन्स माउथ, कैविटी मीन्स गुहा। डन। दूसरा लिखो मैंडिबल, दूसरा मैंडिबल, इसी में पहला माउथ पार्ट पढ़ रहे हैं, पहला हो गया लेब्रम अपर लिप, दूसरा पढ़ो लिखो जबड़ा। ठीक है, इनके पास भी जबड़े होते हैं भैया, लिख लो, यह मुख गुहा में, यह मुख गुहा में समझ रहे, दीवाल, ये साइड की चिक्स जैसे हमारे में है ना, वैसे ही उनमें भी दीवाल बनेगी जो कि ये बनाता है। लिख लो, यह मुख गुहा की पार्श्व भित्ति को बनाता है। इट मेक्स लेटरल वॉल ऑफ प्री ओरल कैविटी, इट मेक्स लेटरल वॉल ऑफ प्री ओरल कैविटी, प्री ओरल कैविटी। अब मैंडिबल है, मैंडिबल के ही कुछ छोटे से हिस्से होते हैं, जबड़ों के ही भाग है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिला, वो भी जबड़े का ही एक हिस्सा होता है, जिसका नाम है मैक्सिला। यहां पे लिख लो, फर्स्ट मैक्सिला। ठीक है, कल का संरचना देखो, मैक्सिलरी पल्प लिखा होगा, उसी के अधर यानी कि ऊपर की तरफ जहां से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिला। ठीक है, अभी देखेंगे उसका काम क्या है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट मैक्सिला या फिर प्रथम मैक्सिला हिंदी में, प्रथम मैक्सिला। इसका भी काम यह है कि यह भी दीवाल को ही बनाता है, मतलब साइड वॉल को, वॉल को। एक जोड़ी होते हैं, यह एक जोड़ी होते हैं, इनके बारे में लिखो प्रथम मैक्सिला, प्रथम मैक्सिला के बारे में लिखो, यह एक जोड़ी होते हैं जो पार्श्व भित्ति बनाते हैं। इसका भी फंक्शन वही सेम होता है। इट इज वन इन पेयर एंड मेक्स लैटरल वॉल ऑफ प्री ओरल कैविटी। इट इज वन इन पेयर एंड मेक्स लैटरल वॉल ऑफ प्री ओरल कैविटी, पार्श्व भित्ति, ये बगल की दीवारें ऐसे। ठीक है, अब लिखो मैक्सिलरी पल्प, नेक्स्ट पॉइंट चौथा, इसको मिटा दो, चौथा लिखो मैक्सिलरी पल्प। अब उस डायग्राम को देखो एक बार, कहां पे है मैक्सिलरी पल्प, मैक्सिलरी पल्प,
ठीक है, मैक्सिलरी पल्प, मैक्सिलरी पल्प इसके बारे में लिखो। चलो, यह पांच खंडों का बना होता है, यह पांच खंडों का बना होता है, यह पांच खंडों का बना होता है। जिसका कार्य संवेदना ग्रहण करना, स्मेल ऑल्फेक्शन मतलब होता है स्मेल, यानी कि सुगंध, गंध। हाँ, मैक्सिलरी पल्प में लिखना है आपको, इसमें लिखना है यह पांच खंडों का बना होता है, मतलब पांच खंड में डिवाइड रहता है ये, ठीक है। जिसका कार्य संवेदना तथा गंध को तथा स्वाद, गंध स्वाद तथा संवेदना ग्रहण करना होता है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा एक और काम मेन फंक्शन है, देखो इंसेक्ट जो है कभी किसी चीज को, खाने वाली चीजों को उठाते हैं तो एक संरचना से उठाते, देखना ऐसे रहता है, उसे ऐसे पकड़ते हैं, उसे लगाते हैं, ये वही स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ है जो रॉ फॉर्म में ये देखेंगे, मान लो कोई कीट है, ठीक है, किसी इंसेक्ट को, तो ये मैक्सिलरी पल्प ऐसे रहते हैं, फिर धीरे से ये बाहर निकलते हैं, उसको ऐसे ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं और धीरे से ले आते हैं माउथ कैविटी में, ठीक है। तो लिखो, हिंदी लिख लो पहले, उसके बाद लिखाते हैं। इसकी सहायता से भोजन को उठाकर, इसकी सहायता से भोजन को उठाकर मुखाग्र तक लाया जाता है, या फिर मुख गुहा तक लाया जाता है, ये भी एक चीज है। हाँ, जिसे मुखाग्र या मुख गुहा तक लाया जाता है, समझ गए ना, मतलब खाने को उठाएगा, उठाने के बाद उसी की मदद से उसको पकड़ के वो मुंह तक लाता है, किसके द्वारा, मैक्सिलरी पल्प के द्वारा। इट इज फाइव सेगमेंटेड which functions for the sense of touch, olfaction, या olfaction छोड़ दो, smell लिख लो, for the sense of touch, comma, smell, comma, taste, for the sense of touch, smell and sense, ठीक है। next point लिखो, by the help of maxillary pulp food particles are taken up and drawn it to mouth cavity, मतलब इसको मुख गुहा तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये हो गया क्या, मैक्सिलरी पल्प के बारे में। अब आ जाओ, पहला थर्ड वाला क्या था, प्रथम मैक्सिला था, अब आता है द्वितीय या फिर सेकेंड मैक्सिला, उसका दूसरा नाम है लैब्रम, ठीक है। इधर देखो, कौन सा पॉइंट हो गया, उसको हम कहते हैं क्या, सेकेंड, क्या है बताओ, सेकेंड मैक्सिला, या फिर इसी का नाम है लैब्रम। देखोगे अगर उस डायग्राम को, तो तुमको लैब्रम भी दिखेगा, देखो लैब्रम बनाया था मैं, है ना, लैब्रम लिख लो, लैब्रम को इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर लिप,
अब अपर लिप क्या था, लेबियम था, तो ऊपर वाला होंठ होगा, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि एक होंठ वाला प्राणी होगा, ये दो होंठ होंगे इसके पास, तो अपर लिप कौन था, लेबियम था। अब लेब्रम क्या है, ये लोअर लिप है। हाँ क्या लिखवाया हूँ, पहला क्या लिखे हो, लेब्रम लिखे हो, अरे लेब एक सेकेंड, हाँ ठीक तो लिखे हो, अरे ये लेबियम है, लेबियम सॉरी, अच्छा इसको बोल रहे थे तुम, ठीक है। लेब्रम जो है अपर लिप होता है और लेबियम क्या होता है, ये लोअर लिप होता है, लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर लिप, इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर लिप। अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो है फर्श को बनाता है, यानी कि ये टंग है, टंग हमारा फर्श है, और टंग की छत क्या है, ये ऊपर वाला टंग ऊपर वो छत होता है, ठीक है। तो छत को कौन बनाता है, छत को कौन बनाता है, मिस्त्री नहीं, आपके मुंह में, इसमें लेब्रम बनाता है छत को, और उसके फर्श को, नीचे वाली संरचना को जहां पे टंग रहती है उस संरचना को लेबियम बनाता है। लिख लो, इट मेक्स फ्लोर ऑफ प्री ओरल कैविटी, इट मेक्स फ्लोर ऑफ प्री ओरल कैविटी, इसे निचला होंठ भी कहा जाता है, इसे निचला होंठ भी कहा जाता है, इसे निचला होंठ भी कहा जाता है। इसका कार्य मुख गुहा का, इसे निचला होंठ भी कहा जाता है, इसका कार्य मुख गुहा का फर्श बनाना होता है, फर्श बनाना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, हम लोग अभी देख रहे थे इसके बॉडी की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिर का जो हिस्सा है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरा होता है वो क्या है, थोरैक्स, उसको हम कहते हैं वक्ष, ठीक है, वक्ष। देखो पलट के देखो, अपन लोग क्या पढ़े, पहले सिर के बारे में पढ़ना था हमको, हम उसके बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम सिर से शुरुआत किए हैं, फिर हम थोरैक्स पे आएंगे, फिर उसके कहाँ पे आएंगे, एब्डोमेन में, उसके बाद फिर उसके इंटरनल ऑर्गन्स पे जाएंगे, है ना। अब देखो थोरैक्स जो है तीन प्रकार का होता है, थोरैक्स जो है तीन खंडों में डिवाइडेड होता है, जिसका नाम है प्रोथोरैक्स, ठीक है, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ठीक। इधर देखो थोरैक्स जो है तीन खंडों में डिवाइड होता है, तीन खंडों में विभाजित होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अगर इसका डायग्राम अगर आप देखते हो, चलो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम मैं बनाया देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो थोरैक्स आपका यहाँ तक रहेगा, उसके बाद यहाँ से एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं उदर, है ना, या एनल सरसाई हो जाएगा। अब देखो ये होता है थोरैक्स, ठीक, इतने हिस्से को हम कहते हैं वक्ष, ये देखो सिर, ये वक्ष और ये उदर, ठीक है, ये सिर होता है। अब देखो वक्ष जो है कितने पार्ट में डिवाइड रहेगा, वक्ष जो है तीन पार्ट में, तीन खंडों में विभाजित है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटा। प्रो मींस होता है पहले, मीजो मींस होता है बीच में, मेटा मींस होता है बाद में। तो प्रोथोरैक्स कहां पे होगा जल्दी बताओ, ये प्रोथोरैक्स है, मीजो यहां होगा और ये क्या होगा, मेटाथोरैक्स। समझ गए कहां पे होगी इसकी स्थिति, चलो लिखो, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स, थोरैक्स इज डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ये हिंदी इसका कुछ नाम नहीं है, सॉरी, इसको प्रोथोरैक्स अपने हिसाब से वैसे ही लिख लो, ऐसा लिखते तो है नहीं, ये इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा है तुमको, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रो, मीजो एंड मेटा, लिख लो, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, लिखो
हो गया, तीन पार्ट में, तीन खंडों में विभाजित होता है ये, या तीन खंडों में विभाजित होता है, या तीन खंडों में विभाजित होता है, जिसे प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, थ्री पेयर्स लेग्स आर प्रेजेंट, सॉरी अराइजेस, थ्री पेयर्स लेग्स अराइजेस, नेक्स्ट पॉइंट, नहीं नहीं उसको पॉइंट डाल के बस लिखो, लेग्स आर अराइजेस फ्रॉम प्रोथोरैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, थ्री पेयर्स लेग्स आर अराइजेस, लेग्स अराइजेस फ्रॉम प्रोथोरैक्स एंड फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स एंड फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स एंड फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड सेकेंड पेयर ऑफ एंड सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मेटाथोरैक्स। देखो कहना क्या चाह रहा है, समझो इसको, ये कहना चाह रहा है कि प्रोथोरैक्स से जो कॉकरोच के जो पैर होंगे, टांगे होंगी, वो प्रोथोरैक्स किससे निकलेगा, ठीक है, यहां से निकलेगा, एक पेयर, दो पेयर और एक तीन पेयर, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाह रहा है इनके पास विंग्स होते हैं, ऑब्वियस ही बात है कॉकरोच उड़ते हैं, देखे होंगे कॉकरोच के पास टू पेयर विंग्स होते हैं, यानी कि चार टोटल विंग्स होते हैं, तो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो है ना यहां से निकलेगा, ये हो गया एक पेयर हो गया, उसके बाद एक पेयर विंग्स कहां से निकलेगा, मेटाथोरैक्स पीछे से, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है जो लेग्स हैं, जो टांगे हैं इसकी, जो कॉकरोच है, कॉकरोच की जो टांगे हैं वो प्रोथोरैक्स यानी कि गले के पास से निकलेगा, ठीक है, लेकिन पहले पेयर ऑफ विंग्स मतलब पहला जो पंख है, चार पंख होंगे इनके पास, उनमें से दो पंख पहले कहां से निकलेंगे, फर्स्ट मीजोथोरैक्स से, उसके बाद जो दूसरा पेयर, दूसरी जोड़ी कहां से निकलेगी, मेटाथोरैक्स से, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। लिख लो, तीन जोड़ी टांगे प्रोथोरैक्स से निकलती हैं, तीन जोड़ी टांगे प्रोथोरैक्स से निकलती हैं तथा तथा पंख की प्रथम जोड़ी तथा पंख की प्रथम जोड़ी तथा पंख की प्रथम जोड़ी मीजोथोरैक्स से निकलती हैं तथा पंख की प्रथम जोड़ी मीजोथोरैक्स से निकलती हैं मीजोथोरैक्स से निकलती हैं उसके नेक्स्ट लिखो तथा पंख की द्वितीय जोड़ी तथा पंख की द्वितीय जोड़ी कहाँ से निकलती है बताओ, मेटाथोरैक्स से निकलती है, बात नहीं करना है, अब देखो इधर देखो, ये है इसका लेग, ये इसका पैर है, पैर जो है इधर देखो पांच खंडों में विभक्त होता है ये भी, ठीक है, जिसके पहले सेगमेंट को देख लो, बस इधर देख लो, पहले सेगमेंट
नाम होता है ट्रोकेंटर। थर्ड सेगमेंट का नाम होता है फीमर। फोर्थ सेगमेंट का नाम है टीबिया, जो कि फिफ्थ सेगमेंट टार्सस। चलो देखो, नहीं जरूरत नहीं है, अगर देख लो तुमको अगर दिमाग में रहेगा तो ठीक है, बनाना है तो बना भी सकते हो, कोई इशू नहीं। देखो बेसिकली ये है, किसकी टांग है, मेरा है कि कॉकरोच का है? कॉकरोच की टांग का संरचना है ये, जो पांच खंडों में विभक्त होता है। तो सबसे पहले खंड का नाम होता है कॉक्सा, ठीक है। ये कहाँ से, ये जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा होगा उसके, कहाँ से, प्रोथोरेक्स से जुड़ा होगा, थोरेक्स वाले हिस्से से। तो पहला जो खंड होता है उस खंड का नाम है कॉक्सा। उसके बाद छोटा सा एक खंड पाया जाता है जिसका नाम है ट्रोकेंटर, दूसरा सेगमेंट। दूसरे खंड का नाम क्या है, द्वितीय खंड का नाम है ट्रोकेंटर, ठीक है। तृतीय खंड का नाम है फीमर, ये जो देखो यहाँ पे एक सेगमेंट है, तृतीय खंड को हम कहते हैं फीमर। उसके बाद चौथा खंड है जो सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट बोलते हैं जिसको, उसको हम कहते हैं टीबिया, टीबिया, ठीक है। ये चौथा सेगमेंट है। अब आता है पांचवा सेगमेंट जिसका नाम है टार्सस। तो ये पांच सेगमेंट या फिर पांच खंडों का बना होता है। तो इनमें से क्वेश्चन कभी आया है, इनमें से आता है क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सेगमेंट का नाम क्या है, लेग में, कॉकरोच के लेग में, कॉकरोच की टांगों में सबसे जो लंबी खंड होती है, सबसे लंबा खंड कौन सा होता है? तो क्या आंसर जाएगा, टीबिया, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लिए रहना, क्वेश्चन आता है इनसे। सेकेंड है ट्रोकेंटर, टी आर ओ सी एच ए एन टी ई आर, ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर। फिफ्थ सेगमेंट का नाम है टार्सस, टी ए आर एस यू एस, टी ए आर एस यू एस, टार्सस। इसका कुछ हिंदी नहीं है, सॉरी। ये क्लॉ होते हैं इनके, ये इसको हम क्लॉज कहते हैं, पंजे जिसके थ्रू ये लोग ऐसे जकड़ के मतलब बैठ पाते हैं कहीं पे भी। हो गया, क्या कुछ रिपीट करना है? टीबिया के ऊपर लिखा है फीमर, ये हमारे में भी होता है ना फीमर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जिसको लंबी भी है वो वही है फीमर, आपके शरीर की सबसे कठोर हड्डी है ये फीमर। ये जो लेग बोन है जिसको हम थाई बोन कहते हैं, ठीक है, इसी के बदौलत आपका पूरा का पूरा बॉडी खड़ा हुआ है। लास्ट का लिखा है टार्सस, टी ए आर एस यू एस, बात नहीं इधर, ट्रोकेंटर। हाँ, लेग अगर नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट के नाम याद होने चाहिए, कौन से सेगमेंट का नाम क्या होता है ना। चलो अब एब्डोमेन में आ जाओ, एब्डोमेन में आ जाओ, उदर में आ जाओ। हम लोगों ने सिर देख लिया, वक्ष भी देख लिया, अब हम देखेंगे उदर, इनके एब्डोमेन के बारे में। लिखो इसमें एक पॉइंट, भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में, हाँ एब्डोमेन, उदर, तीसरा पॉइंट देख लो, उदर लिखो, तीसरा पॉइंट आ गए हैं अपन लोग कॉकरोच के तीसरे हिस्से के संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब भ्रूणावस्था में जब छोटा भ्रूण रहता है ना, ये भ्रूणावस्था में उदर 11 खंड के होते हैं,
भ्रूणावस्था में उदर 11 खंड के होते हैं। भ्रूणावस्था, भ्रूण में जब एम्ब्रियो रहते हैं ना, हम लोग जैसे एम्ब्रियो रहते हैं, छोटे रहते हैं, जब पैदा नहीं हुए रहते हैं, भ्रूण में रहते हैं, मतलब अंदर में रहेंगे तब वो 11 खंड के होते हैं। तथा वयस्कावस्था में, तथा एडल्ट स्टेज या फिर उसको हम कहते हैं वयस्कावस्था, वयस्क अवस्था में उनमें से एक जो खंड है वो फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, इलेवन सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, इलेवन एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। एब्डोमिन में पहला पॉइंट लिखो, इलेवन एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनल स्टेज, इन एम्ब्रियोनल स्टेज EMBRYONAL, एम्ब्रियोनल स्टेज, भ्रूणीय अवस्था। 11 एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनल स्टेज एंड और वाई लेके चीज है, एंड 10 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट स्टेज, एंड 10 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट स्टेज। एक जो होता है ना वो जुड़ जाता है, 10वां और 11वां ऐसे करके जुड़ जाएगा, तो लास्ट में बोलते हैं कि भैया 10 ही सेगमेंट है। प्रेजेंट इन एडल्ट स्टेज, एडल्ट स्टेज। ठीक है, अब एब्डोमेन को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। अब देखो ये हो गया ना, हो गया अब देखो अपन कॉकरोच को लिए हैं, ठीक है। अब कॉकरोच को हम साइड से देखने जा रहे हैं, ये मैं मान के चलो मैं कॉकरोच को ऐसे पकड़ा हूं और साइड से तुमको देखना है इसको, ठीक है। तो साइड से देखने में तुमको कैसे दिखेगा ये, ठीक है, ये कुछ तुमको ऐसा दिखेगा। मैं एब्डोमेन को ही बना रहा हूं ना, इधर छोड़ दो, थोरैक्स को छोड़ दो, ठीक है। ठीक है, अभी खंड नहीं बना रहा हूँ, पूरा खंड नहीं बना रहा हूँ मैं, बस समझाने के लिए तुमको। देखो नहीं दिख रहा है, ये इमेजिन करो ऐसे साइड से ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये देखो इसमें कैसी कैसी चीजें, 3 चीजें दिख रही होंगी तुमको, एक ऊपर की तरफ, एक मिडिल में थोड़ा मसल वाला स्ट्रक्चर ऐसे करके ये मस्कुलर तुमको दिखेगा, और तीसरा नीचे की तरफ। तो मुझे ये बताओ, ये इसका पीठ वाला भाग है जो साइड से मैं देख रहा हूँ, ये वाला भाग पीठ का भाग है, यहाँ ऊपर पंख लगे होंगे ना भाई ऐसे करके, तो ये उसका किस कौन सा वाला भाग है, डॉर्सल पृष्ठ वाला भाग है, पार्श्व, ये वेंट्रल वाला भाग है, मतलब नीचे की तरफ, उसके पेट की तरफ, अंदर की तरफ, बीच वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है टर्गम, इसको ऊपर वाले जो तुमको बाहर से दिख रहे हैं ना पीछे से, उसको हम कहते हैं टर्गम, ठीक। अब देखो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये रिब्स वाला होता है हमारे संरचना में, इधर देखो इंसानों के में देखो कि अगर, तो ये वाला जो लंबा बोन होता है जिससे हमारी जो रिब्स है वो अटैच होती है, क्या नाम है उसका, क्या होता है बताओ, स्टर्नम का नाम सुने हो, स्टर्नम, स्टर्नम एक लंबी हड्डी होती है जिससे आपके रिब्स यहां स्पाइनल कॉर्ड से होकर के जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक संरचना ये नीचे की तरफ है वेंट्रल में, वैसे ही एक संरचना इनके में भी होती है जिसका नाम क्या है, स्टर्नम, ठीक है। ये हो गया पहला, टर्गम हो गया, स्टर्नम, और ये बीच वाले को बोलते हैं प्लूरॉन्स, प्लूरॉन्स, प्लूरॉन, ये लो, ठीक है। तो 3 खंडों में 3 संरचनाओं में ये विभाजित हो जाता है, जो ऊपर की तरफ आपको दिखता है पार्श्व की तरफ, ठीक है, डॉर्सल सरफेस में, उसको हम कहते हैं टर्गम,
नीचे अंदर की तरफ जो दिखता है उसको हम कहते हैं स्टर्नम, और बीच में जो मसल्स आपको दिखेंगे उसका नाम है प्लूरॉन। ठीक है, तो इसको बनाना है छोटा सा, दो मिनट में जल्दी से बना लो, फिर इसमें लिखा देंगे। कौन सा लाइट, ये लाइट ऑफ कर दो तो। अरे इधर बात नहीं करना, जल्दी दो मिनट में मिटा दूंगा इसको। लिखो मेल एंड फीमेल, हाँ उसी में पॉइंट डाल डाल के लिखो नीचे। इंग्लिश वाले लिख लो पहले, दिस काट दो उसको पहले। दिस सेवेंथ टर्गम, देखो टर्गम है यानी कि मैंने बोला कितने सेगमेंट्स के होते हैं, टोटल 10 खंड के होते हैं, तो ऊपर वाले खंड को हम टर्गम कहते हैं। ठीक है, टू कितने रहेंगे टोटल, T10 तक रहेंगे। ठीक है, समझ गए, 10 सेगमेंट के रहेंगे तो ऊपर वाले टर्गम है, ऐसे करके 10 सेगमेंट यहां पे रहते हैं। लिख लो द सेवेंथ सेगमेंट ऑफ, द सेवेंथ सेगमेंट ऑफ टर्गम, द सेवेंथ सेगमेंट ऑफ टर्गम, द सेवेंथ सेगमेंट ऑफ टर्गम इन मेल एंड फीमेल। आर लार्जर, ये कहना ये चाह रहा है कि इसका जो सातवें नंबर का टर्गम होता है वो बहुत बड़ा होता है, थोड़ा सा कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वन पेयर एनल सरसाए, एनल सरसाए, ये देखो एनल, ये देखो इसको बना रहा हूं बार बार, इसी का नाम है एनल सरसा, एनल के पास रहता है, एनएस के पास रहता है, इसलिए एनल सरसा कहते हैं। अभी फंक्शन देखेंगे उसका, साउंड प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है, लिख लो अ पेयर ऑफ एनल सरसाय, अ पेयर ऑफ एनल सरसाय इज प्रेजेंट ऑन, अ पेयर ऑफ एनल सरसाय आर प्रेजेंट ऑन 10th टर्गम, अ पेयर ऑफ एनल सरसाय आर प्रेजेंट ऑन 10th टर्गम, 10th टर्गम। दीज आर बेसिकली, दीज आर मतलब एनल सरसाय, एनल सरसाय आर बेसिकली एनल सरसाय आर बेसिकली साउंड रिसेप्टर्स, साउंड रिसेप्टर्स मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर साउंड अगर कहीं पे आ रहा है तो उनको ग्रहण करते हैं, बताते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, साउंड रिसेप्टर्स। नेक्स्ट लिखो द नाइन्थ स्टर्नम ऑफ, अब स्टर्नम की बात कर रहे हैं अपन, द नाइन्थ स्टर्नम, ये इंपॉर्टेंट है, पीएटी का क्वेश्चन है। द नाइन्थ स्टर्नम लिखो, द नाइन्थ स्टर्नम ऑफ मेल, द नाइन्थ स्टर्नम ऑफ मेल पजेजेस, द नाइन्थ स्टर्नम ऑफ मेल पजेजेस स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर कांटेदार संरचना, नोन एज एनल स्टाइल्स। ये पीएटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि एनल स्टाइल जो है किसमें उपस्थित होता है, नर में कि मादा में, और नर में है तो कौन से सेगमेंट में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, नर में। ठीक है, लिख लिए
एनल स्टाइल स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर एनल स्टाइल इज प्रेजेंट, ठीक है. इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन, इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन, लिख लो, इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन, इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन, हिंदी लिखो कॉपुलेशन, मैथुन. हाँ, मेल एंड फीमेल में, नर तथा मादा में, नर तथा मादा में, नर तथा मादा में सातवां टर्गम, वो दिख रहा है टर्गम की स्पेलिंग, सातवां टर्गम सबसे बड़ा होता है. ठीक है, लिख लो. दसवें टर्गम में एक जोड़ा, दसवें टर्गम में एक जोड़ा एनल सरसाई. ये देखो स्पेलिंग, ANALCERCI. दसवें टर्गम में एक जोड़ा एनल सरसाई निकला होता है. निकला होता है ये मुख्य साउंड रिसेप्टर होते हैं. साउंड रिसेप्टर मतलब ध्वनिग्राही होते हैं. यह मुख्य ध्वनिग्राही होते हैं, ध्वनिग्राही होते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लेना इसको. नर के नवे स्टर्नम में, ये स्टर्नम की बात कर रही है ना, ये देखो इस स्टर्नम की, इसको हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख लो स्टर्नम, ये याद होना चाहिए. ठीक है, नर के नवे स्टर्नम में एक जोड़ी, नर के नवे स्टर्नम में एक जोड़ी कांटे समान, नर के नवे स्टर्नम में एक जोड़ी कांटे समान एनल स्टाइल्स निकलती है. इसको इंग्लिश में ऐसे ही लिखो, एनल स्टाइल्स निकलती है, एनल स्टाइल्स निकलती हैं तथा यह मैथुन क्रिया में मदद करती है. ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसका. एक और पॉइंट लिख लो, उसी में पॉइंट डाल के, बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज नोन एज हीमोसील. जैसे उसमें भी हम लोगों ने देखा था, किस में देखा था, लीच में, अर्थवॉर्म में, है ना, वैसे ही इनकी भी कैविटी होती है. लिख लो, द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज नोन एज हीमोसील. हीमोसील, HEMOCOEL, हीमोसील. ठीक है, लिखो. कॉकरोच की देह गुहा, कॉकरोच की देह गुहा एक हीमोसील है. कॉकरोच की देह गुहा एक हीमोसील है. कॉकरोच की देह गुहा एक हीमोसील है. अब लिख लो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र. इसके पाचन तंत्र में देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ऐसा विशेष संरचना नहीं है, सिंपल है. माउथ होंगे, फेरिंग्स होंगे, इसोफेगस. एक संरचना और इसमें बस आता है जो इंपॉर्टेंट होता है, वो है क्रॉप, थोड़ा सा, जो थोड़ा सा नया देखने लायक है. तो लिख लो, अब डिवाइड किया जाता है बेसिकली,
ये सिंगल एक लंबी संरचना है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इधर ध्यान दो, ठीक है। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सेम वाला संरचना, जैसे कि मैंने बोला था, अगर कोई संरचना ऐसे है, मान लो मैंने उसमें देखा था, अपन लोगों ने देखा था इंटेस्टाइन का टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल के जो पहले था उसको हम क्या कहते थे, प्री टिफ्लोसोल, यही कहते थे, और टिफ्लोसोल के जो बाद था उसको पोस्ट टिफ्लोसोल। अब ये मान के चलो ये इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन ही है, एक गट ही है, तो इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फोर गट, फोर मीन्स पहले, इसको बीच में है इसलिए इसको हम कहते हैं मिड गट, और लास्ट में इसको, इसलिए लास्ट में इसको क्या कहेंगे, हिंड गट, ठीक है। फोर गट यानी कि शुरू वाले संरचना, क्या माउथ जो है यहां से प्रेजेंट होगा, माउथ, फेरिंग्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद मिड गट में क्रॉप हो गया, गिजार्ड हो गया, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद नीचे वाली संरचना जितने भी हैं वो हिंड गट आएंगे, ठीक है। तो पहला लिखो, चलो फोर गट के बारे में लिखो। पहला लिख लो फोर गट, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला पॉइंट फोर गट। फोर गट में फोर गट, चलो लिखो, इसमें लिखो पहले, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मुख गुहा, मुख गुहा, इसके अंतर्गत मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी तथा ग्रसिका, इसके अंतर्गत मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका एवं क्रॉप आते हैं। क्रॉप, क्रॉप को हम हिंदी में अन्नपूट कहते हैं, अन्नपूट, अन्नपूट, ठीक है, अन्नपूट। अब देखो इसका काम क्या है, देख लेंगे इसको। लिखे, लिख लिए, इसके अंतर्गत मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका तथा अन्नपूट आते हैं, अन्नपूट, या फिर इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रॉप, क्रॉप। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो उसी में, यह आंत का, यह आंत का, यह आंत का, यह मतलब क्रॉप, क्रॉप के बारे में चल रहा है, क्रॉप या अन्नपूट आंत का सबसे चौड़ा भाग है, सबसे फूला हुआ संरचना एक रहता है लोग खाने को। क्रॉप, क्रॉप के बारे में एक लाइन लिख रहे हैं अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रॉप में, क्रॉप में भोजन का पाचन, क्रॉप में भोजन का पाचन तथा संग्रहण होता है। क्रॉप में भोजन का पाचन तथा संग्रहण होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लो, गिजार्ड के बारे में लिख लो, गिजार्ड, गिजार्ड को हम क्या कहते हैं हिंदी में, पेशड़ी, है ना, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट उसमें लिखो, गिजार्ड, गिजार्ड के बारे में लिख लो, गिजार्ड के बारे में लिख लो। गिजार्ड का तो फंक्शन तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, गिजार्ड का मुख्य कार्य, गिजार्ड का मुख्य कार्य, गिजार्ड का मुख्य कार्य भोजन की अच्छी तरह पिसाई करना होता है। गिजार्ड का मुख्य कार्य भोजन का अच्छी तरह से पिसाई करना होता है, ठीक है। तो अगर देखोगे इंटेस्टाइन को या फिर इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रॉप होता है, ऐसे करके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्रॉप है, जहाँ पे जो है, यहाँ से मान लो कॉकरोच खाएगा तो वो यहाँ आ करके यहाँ पे संग्रहित होता है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत पाचन की क्रिया होगी, उसके बाद ये कहाँ जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा और संरचना रहेगा जिसका नाम है
गिजार्ड, और गिजार्ड में इसकी अच्छे से मिक्सिंग यानी कि उसको कूट दिया जाएगा, यानी कि पीस दिया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो गिजार्ड में क्या होती है, पिसाई होती है। चलो लिख लो, हिंदी और इंग्लिश लिख लो। माउथ कैविटी, माउथ कैविटी फोरगट में लिखो, माउथ कैविटी, माउथ कैविटी फेरिंग्स कॉमा देके लिखो, माउथ कैविटी कॉमा फेरिंग्स कॉमा ईसोफेगस कॉमा क्रॉप एंड गिजार्ड belongs to foregut, लिखो। next point, crop is the wider part of intestine, crop is the wider part of the intestine. Next point, storage and digestion of food occurs in crop. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रॉप क्यों बोल रहा हूँ, क्रॉप क्या सुन रहे हो, वाह अपने ही लेवल में हूँ। चलो, मुर्गा लिख रहे हो क्या, कॉक लिख रहे हो क्या, क्रॉप भैया क्रॉप लिख लो आगे लिखो। गिजार्ड का फंक्शन तो जानते हो ना, द फंक्शन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फंक्शन ऑफ गिजार्ड इज टू ग्राइंड द फूड, अब दूसरा पॉइंट लिखो मिड गट के बारे में, मिड गट के बारे में लिखो, फंक्शन ऑफ गिजार्ड इज टू ग्राइंड फूड मैटर्स या फूड पार्टिकल्स, मिड गट के बारे में लिखो, मिड गट में पाचन तथा अवशोषण होता है, मिड गट में पाचन तथा अवशोषण होता है, मिडगट में पाचन तथा अवशोषण होता है। लिख लो मिडगट वाले, लिख लो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन मिडगट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन मिड गट, तो मध्य आंत में क्या होता है मिड गट में अवशोषण होता है, पाचन की क्रिया पूरी की पूरी संपूर्ण हो गई है, अब फूड जो है थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। अपने में भी यही होता है, हमारे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है वहां पे, ठीक है। तो यहां का भी हो गया, अब लिखो लास्ट, लिखो हिंडगट के बारे में लिख लो, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पीएटी का क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लो, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। ये देखो मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, क्या है ये बताओ, चलो बताओ क्या है, हाँ उत्सर्जन, वेरी गुड, पढ़े हो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स,
मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एज एक्सक्रिटरी ऑर्गन, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एज एक्सक्रिटरी ऑर्गन विच इज मेनली प्रेजेंट, विच इज मेनली प्रेजेंट इन बिटवीन, इन बिटवीन हिंड गट एंड मिड गट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लो ये शुरू से लिखे, देखो इधर देखो, शुरू से बोल रहा हूं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एज एक्सक्रिटरी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट बिटवीन, विच इज प्रेजेंट बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, हाइंड गट एंड मिड गट इन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मेलपीजियन नलिकाएं हैं वो जो है कहाँ पे स्थित होता है इनके पाचन तंत्र में। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित होता है, दोनों के बीच में, किसके, हिंड गट और मिड गट के बीच में। लिखो हिंदी वाले लिखो, हिंड गट व मिड गट के, हिंड गट तथा मिड गट के, हिंड गट ये वाला हिंड गट तथा मिड गट के संधि तल, संधि तल मतलब जहां पे वो जुड़ते हैं उनके बीच में, के संधि तल पर मेलपीजियन, मेलपीजी नलिकाएं होती हैं, मेलपीजी नलिकाएं वहां पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं इसको, मेलपीजियन लिखते हैं, मेलपीजियन, मेलपीजियन नलिकाएं, मेलपीजियन नलिकाएं होती हैं, उपस्थित होते हैं, या फिर जो उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं, हिंड मिड गट के संधि तल पर मेलपीजी नलिकाएं होती हैं जो उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। डन। अब देखो इसमें भैया, गया अब इनके बारे में डाइजेशन में लिखो। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट दे दो, पाचन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जल्दी लिखो, डाइजेशन या फिर पाचन, पाचन की जो क्रिया है, कुछ ना कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं ये लोग जिसके थ्रू इनमें पाचन की क्रिया होती है। लिखो, सलाइवा, सलाइवा हैज, इसी में पॉइंट देके लिखो, सलाइवा, सलाइवा हैज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सलाइवा हैज डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक, लाइक इधर देखो, बात नहीं करोगे, लाइक एमाइलेज, लिखो, कॉकरोच का जो सलाइवा होता है उसके पास एंजाइम होते हैं जिसका नाम है एमाइलेज, लिखो, सेल्यूलेज, सेल्यूलेज, ये लो बस दो ही लिख लो, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं ये लोग, लिखे, लिख लिए, सलाइवा हैज डाइजेस्टिव एंजाइम्स नोन एज एमाइलेज एंड सेल्यूलेज, लिख लो हिंदी, लार में पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, लार में पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, वह एंजाइम, वह एंजाइम
उदाहरण के तौर पे लिख लो एमाइलेज तथा सेल्यूलेज, एमाइलेज तथा सेल्यूलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये, ठीक है। चलो एक्सक्रिटरी ऑर्गन में आ जाओ, एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स में आ जाओ, एमाइलेज तथा सेल्यूलेज। ये देखो यहां लिखा है सेल्यूलेज, सेल्यूलेज मतलब क्या है, ये किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट एक टाइप सेल्यूलोज। सबसे पहले इधर देखो सेल्यूलोज का, सेल्यू का मतलब होता है सेल्यूलोज, एज मीन्स डाइजेस्ट करने वाला, मतलब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेल्यूलेज होता है। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। लिखो अब उत्सर्जी तंत्र, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, पाचन तंत्र खत्म हो गया। लिख लो यहां पे, लिखो पढ़ेंगे एक्सक्रिटरी ऑर्गन, उत्सर्जी तंत्र किसके द्वारा होता है, अभी कॉकरोच में मुख्य उत्सर्जी अंग मैल्पिगियन नलिकाएं हैं। कॉकरोच के मुख्य उत्सर्जी अंग मैल्पिगियन नलिकाएं हैं। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रिटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। These are यूरिकोटेलिक। अब क्या मतलब होता है यूरिकोटेलिक का, ध्यान से सुनो, दिमाग मत खराब करना, गलत मत बोलना। यूरिकोटेलिक का मतलब क्या होता है, यूरिक एसिड ना कि यूरिया, यूरिक एसिड। देखो ध्यान से पढ़ा कर, यूरिको मतलब यूरिक एसिड, अगर यूरियो होता तो क्या होता, यूरिया का सिक्रीशन करता, जो कि केचुआ सिक्रीट करता है। केचुआ क्या, यूरियोटेलिक होते हैं, और ये जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। लिख लो कॉकरोच यूरिकोटेलिक जंतु हैं। ऑलमोस्ट लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट 90 ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच कॉकरोच। लिख लो ट्यूब्यूल्स का मतलब समझ रहे हो, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की बात चल रही है यहां पे। लिखो ऑलमोस्ट 90 ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच कॉकरोच। 90 ट्यूब्यूल्स लिख लो, 90 नलिकाएं, 90 नलिकाएं, नलिकाएं का मतलब यहां पे मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स को बोल रहा है ये। 90 ट्यूब्यूल्स या फिर 90 नलिकाएं एक कॉकरोच में स्थित होते हैं। 90 नलिकाएं एक कॉकरोच में स्थित होते हैं, मतलब मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। एक कॉकरोच में आपके कितने मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स दिख सकते हैं, 19। क्या ये क्या सिक्रीट करता है, यूरिक एसिड, ठीक है। बस ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सर्कुलेटरी सिस्टम। सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना भाई, छूटना नहीं चाहिए। लिख लो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या फिर परिसंचरण तंत्र। लिख लो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है,
अब क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र, क्या वो एक गुहा में जा करके सारे ब्लड को छोड़ देगा, यानी कि जुड़ा नहीं रहता है, और एक कैविटी में छोड़ देता है। उस कैविटी का नाम है हीमोसील। अभी अभी पहले भी देखे हैं। अभी लिखो, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आर प्रेजेंट, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट। लिखो, कॉकरोच का हृदय, कॉकरोच का हृदय, ये इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच का हृदय 13 छोटे छोटे खांच में, खांच यानी कि खंड, कॉकरोच का हृदय 13 छोटे छोटे खांच में विभाजित होता है। कितना चैम्बर होता है कॉकरोच के हार्ट में? कॉकरोच का जो हृदय है या फिर हार्ट है, उनका जो चैम्बर है वो 13 चैम्बर का होता है। 13 चैम्बर का इनके पास हृदय होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंग्लिश लिखो, द हार्ट ऑफ कॉकरोच इज 13 चैम्बर्ड। ठीक है, लिखो, प्रत्येक कक्ष, कक्ष मतलब प्रत्येक खंड, प्रत्येक खंड, हाँ उसी में लिखो, प्रत्येक खंड एक छिद्र में खुलती है, एक छिद्र में खुलती है, प्रत्येक खंड, 13 खंड है, 13 खंड में ये बोलना चाह रहा है कि उनका जो खंड है एक छिद्र में खुलता है, एक छिद्र में खुलता है जिसका नाम ऑस्टिया है। और ऑस्टिया हम लोग कहाँ पढ़े थे? और क्या पढ़े थे बताओ? तो ऑस्टिया में, ऑस्टिया हम लोग पढ़े थे फाइलम पोरीफेरा में, है ना। अब फाइलम पोरीफेरा में ऑस्टिया का फंक्शन क्या था? क्या करता था? क्या जो फूड मैटर्स हैं पानी में, क्या उसको अंदर लेने का काम करता था? और वो बाहर किसके थ्रू जाता था? ऑस्कुलम के थ्रू। बहुत बढ़िया। तो सेम यहाँ पे भी वही फंडा है, खून या फिर रुधिर जो है पंप के थ्रू इसी ऑस्टिया के थ्रू अंदर आते हैं, ठीक है, इसी छिद्र के थ्रू। लिख लो, हो गया, लिख लो, ऑस्टिया कहते हैं, लिख लिए, प्रत्येक खंड एक छिद्र में खुल जाकर खुलती है, उस छिद्र का नाम ऑस्टिया है। लिख लो, ऑस्टिया आर प्रेजेंट इन, ऑस्टिया आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ हार्ट, ऑस्टिया आर प्रेजेंट प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ हार्ट। बात नहीं, श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में देखो, श्वसन अंग, श्वसन, श्वसन, श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है, श्वसन, श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। श्वसन नलिकाओं द्वारा होता है, जिसे, ये क्वेश्चन भी आया है, जिसे स्पाइरेकल्स कहते हैं। क्वेश्चन आया था कि स्पाइरेकल्स किस जीव का उत्सर्जी अंग है कि श्वसन अंग है, ठीक है।
तो स्पाइरेकल क्या है, श्वसन अंग है कि उत्सर्जी अंग है? यह श्वसन अंग है। किसका? इंसेक्ट यानी कि कॉकरोच का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया है पीएटी में, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लिख लो, श्वसन श्वसन नलिकाओं द्वारा होता है जिसे स्पाइरेकल्स कहते हैं। लिख लो, रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स। रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स नोन एज स्पाइरेकल्स। 10 pairs स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट। एक टाइप के ये रंध्र हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे छिद्र हैं ये। 10 pairs स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट, 10 pair होते हैं, 10 जोड़ी रंध्र होते हैं इनमें। 10 pairs स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, 10 pairs स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट, 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, 10 जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। अब 10 में से देखो, 8 जो होते हैं वो उधर यानी कि एब्डोमेन वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं 8 pair, और 2 pair थोरेक्स में। टू पेयर्स आर प्रेजेंट इन थोरेक्स एंड 8 pairs आर, टू पेयर्स आर प्रेजेंट इन थोरेक्स एंड 8 pairs आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लिए रहना। टू पेयर्स आर प्रेजेंट इन थोरेक्स एंड 8 pairs आर इन एब्डोमेन। लिख लो, दो जोड़े श्वसन रंध्र वक्ष में दो जोड़े श्वसन रंध्र वक्ष में तथा 8 जोड़े श्वसन रंध्र उदर में होते हैं। दो पेयर कहां पे हैं, जल्दी बताओ? दो जोड़े आपको वक्ष में दिखेंगे यानी कि ऊपर की तरफ, और 8 जोड़े कहां पे दिखेंगे? उधर की तरफ। ठीक है, अब लिख लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब टाइम हो गया, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ है, तुम लोग ऑलरेडी 10 मिनट 20 मिनट लेट आए हो। चलो जनन तंत्र लिखो, जनन तंत्र के बारे में लिख लो। जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला क्या लिखेंगे अपन लोग? पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र के बारे में सबसे पहला इसमें लिख लो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखे होगे उसके बगल में लिख लो कॉकरोच आर डायोसियस। अब डायोसियस का मतलब क्या है बताओ? क्या होगा जल्दी बताओ? हाँ, कॉकरोच को कभी देखे हो ना, कॉकरोच जो है हमेशा उल्टा चिपके रहते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग रहते हैं भैया। इसका मतलब ये है ये एक लिंगी है, एक ऑर्गेनिज्म में एक ही लिंग मिलेगा इनमें। जैसे कि केंचुआ भैया, उनके पास दोनों था, वो मोनोइसियस थे या फिर हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं उसको, वो थे। ये जो है डायोसियस यानी कि एक लिंगी है। ठीक है, इनके पास एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो नर या तो मादा। लिख लो कॉकरोच आर डायोसियस। कॉकरोच एक लिंगी होते हैं। कॉकरोच एक लिंगी होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ जाओ, मेल जनन तंत्र में आ जाओ।
मेल जनन तंत्र में पहला पॉइंट देके लिखो ए पॉइंट दो, टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि क्या? वृषण। वृषण के बारे में लिखो। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिख सकते हो। नर जनन तंत्र में ए पॉइंट डालो, टेस्टिस या फिर हिंदी में वृषण। लिखो वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन 3 to 6 सेगमेंट, 3 to 6 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। वन पेयर टेस्टिस आर प्रेजेंट इन 3 to 6 सेगमेंट इन एब्डोमेन। क्या ये उधर में उपस्थित होता है कि वक्ष में? यहां पर टेस्टिस होता है कि इधर पे? यहां पर टेस्टिस होता है कि उधर वाले में? बहुत बढ़िया, समझ गए। चलो समझने वाले समझ गए, कोई बात नहीं। लिखो एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण 3 से 6, 3 से 6 उदर खंड में स्थित होते हैं। 10 खंड होते हैं उदर में आपको पता है, तो उससे 3 से लेकर के 6 खंड तक टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो तो भ्रूणावस्था में है, एम्ब्रियोनल स्टेज में है। कहाँ है ध्यान, पढ़ रहे हो? अभी पारी लगेगा बेटा तुम लोग का भी, रुको टेस्ट में देख रहा हूँ तुम लोग का नंबर में। तुम रट के लाओ, नकल करके नंबर लाओ, चाहे कुछ भी कर, नकल नहीं करना है, नकल नहीं करना है। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर देखो। चलो प्रत्येक प्रत्येक वृषण, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वृषण, प्रत्येक वृषण 3 या 4 खंडों में, खंडों का बना हुआ, पालियां या लोब्स कहते हैं उसको। रे पीछे बात नहीं करना है। प्रत्येक वृषण, प्रत्येक वृषण 3 या 4 खंडों का बना होता है, लोब्स होते हैं उनमें। भाई लोब्स ऐसे हैं, ऐसे करके लोब होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 लोब लिख लो, एक ही रहता है, खंड 4 होते हैं। टेनिस बॉल है ना, वैसे ही रहता है उसके पास। लिखो हिंदी इंग्लिश लिख लो, ईच टेस्टिस कंप्राइजेस, ईच टेस्टिस कंप्राइजेस 3 to 4 लोब्स, 3 to 4 लोब्स, LOBES लोब्स। क्या बोले? अब दूसरा देखो, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी या फिर वास डिफरेंस लिखो, लिखो लिखो, 2 मिनट और, 10 मिनट और दे दो। एक लाइन तो लिख लो, एक लाइन लिखो, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन लिख लो। प्रत्येक टेस्टिस से एक शुक्रवाहिनी निकलती है, प्रत्येक टेस्टिस से एक शुक्रवाहिनी निकलती है। तो अब मुझे ये बताओ कितनी शुक्रवाहिनी होंगी? एक पेयर, 2 टेस्टिस है भैया, अब दोनों से एक एक निकल रहा है ऐसे करके, पाइपलाइन स्ट्रक्चर, मतलब एक पेयर में है। लिख लो प्रत्येक टेस्टिस, प्रत्येक वृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलती है। एक शुक्रवाहिनी निकलती है। दूसरा पॉइंट लिखो, ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी मशरूम ग्रंथि में आकर खुलती है। इसके नीचे एक मशरूम ग्लैंड होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन। ये शुक्रवाहिनी मशरूम ग्रंथि में आकर खुलती है।
Each testis have a pair of each testis have vast difference. पेयर मतलब फिर वो चार्ज हो जाएगा ना, ईच टेस्टिस की बात कर रहे हैं, पेयर को काट दो. ईच टेस्टिस हैज अ वास्ट डिफरेंस विच ओपन्स इनटू मशरूम ग्लैंड. ठीक है, अब मशरूम ग्लैंड के बारे में लिखो. 5 मिनट. चलो बंद कर दो. बंद कर दो.